वो देखो वहां पे दूसरा कुत्ता आया तो हयात अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। देखो भगा दी उसको। कैसे हो सब? मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के लगभग 7:30 बज रहे होंगे। अभी अपन चलते हैं बाहर और साइकिलिंग करते हैं। साइकिल चलाने से पहले अपन को साइकिल में हवा भरना पड़ेगा। दोनों ही चक्कों में हवा नहीं है और अभी साइकिल में हवा डालते डालते मेरी हवा टाइट होने वाली है। ये वाला जो हवा पंप है ना, ये भाई बहुत ही ख़त्म हवा पंप है। मेरी हवा निकल गई भरते भरते, लेकिन हवा ही नहीं जा रही भाई, हवा ही नहीं जा रही। ये साइकिल में हवा भरते भरते मेरी हवा निकल गई और मेरे अभी दोनों पाँव दुख रहे। भाप रहे, मैंने कम से कम 300 पंप मार दिए होंगे। कभी पंप मारता था तो हवा नहीं जाती थी, कभी हवा जाती थी तो वो निकाल, ये जो निकालते ना जब साइकिल पर पंप भरते तो ये निकालते, तो निकालते निकालते साइकिल की हवा भी निकल जाती थी। भाई साहब पूरा थक गया मैं। इससे अच्छा है भाई इतनी मशक्कत करने से अच्छा किसी साइकिल वाले के पास जाओ, 5-10 रुपये दो, साइकिल में हवा भरवा लो। अगली बार से ऐसा ही करूँगा। वो देखो वहाँ पे दूसरा कुत्ता आया तो हयात अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। देखो भगा दी उसको। मम्मी जो है झाड़ों पे पानी डाल रही है और झाड़ों के साथ साथ अभी मेरे पे भी डालने वाली है। साइकिलिंग करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी अपन खाना खाते, ये है सब्जी, ये अचार और ये दाल और ये रोटी। आज मैंने नहाया और नहाने के बाद जो जो पानी बाल के ऊपर डाल दिया तो भाई साहब कितनी ठंड लग रही है। और ठंड ठंड में जो है अभी मम्मी को मेरे को ऑफिस छोड़ के देना पड़ेगा क्योंकि दादा सो रहा है, पप्पा अभी तक के आए हैं लेकिन पप्पा भी कुछ काम कर रहे हैं। हमारा गोप्रो का जो माउंट है अब बस थोड़े टाइम पे जो है घर पे आ जाएगा, मजा आ जाएगा आज तो। तो चलो हमारी डिलीवरी मिल चुकी है, अच्छे से अब इसको खोलते हैं और फिर इसको माउंट करते हैं अपने गोप्रो में। हमारे गोप्रो का जो माउंट है वो आ चुका है। मेरे को अंदर से अनबॉक्स करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है लेकिन मैं इसको अभी करूँगा नहीं। मैंने गौरव भैया को कॉल किया है, वो आने वाले थोड़े टाइम में 15-20 मिनट में, उसके बाद इसको अनबॉक्स करेंगे। तो चलो इसको अनबॉक्स करते। गौरव भैया ने बहुत टाइम लगा दिया, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था। खोलो इसको। हमारे वो क्या नाम है इनका, टेक्निकल गौरव, हमेशा कुछ भी चीज आते हैं तो यही आते हैं अनबॉक्स करने के लिए स्पेशल। इनको बाहर से भी नाम गौरव ही है ना। अच्छा हाँ, दोनों एक ही है। स्पेशल स्पेशल इनको बुलाया जाता है कि अनबॉक्स कीजिए करके, और तुमने तो बिस्टे ही फाड़ दिए। चलो कोई बात नहीं। और ये हमारा हेलमेट है गोप्रो के लिए, और यहाँ पे देखो गोप्रो का स्टीकर लगा दिया हम लोगों ने। तो पैकेजिंग बिल्कुल नॉर्मल सी है। इसके अंदर ये हमारा सामान है गोप्रो का माउंट का। अब इसको यहाँ पे करेंगे माउंट और फिर मचाएंगे तबाही। तो ये जो ये वाला जो माउंट था ये गोप्रो के साथ मिला था और अभी हमको ये वाला लगाना है, तो इसको निकालना पड़ेगा। निकालो इसको, लगाओ ताकत, लगाओ ताकत। हाँ चलो, उतना मतलब मजबूत नहीं था फिर भी मजबूत था एक तरीके से। अभी इसको माउंट करना है हमें, ये नॉर्मल सी चीज़ें, इसको माउंट करेंगे अभी। तो यहाँ पे हमारा माउंट लग गया है, कुछ इस तरीके का माउंट लग चुका है और ये जो है बहुत ज़्यादा टाइट है। अभी बाहर चलते गाड़ी चलाते और देखते हैं अभी जो व्यू है कैसा आ रहा है। पहले जब मैं नॉर्मली जो गोप्रो के साथ माउंट आता है वो वाला मैंने लगाया था तो जो उसका जो व्यू है बहुत ही भद्दा आता था, तो नया माउंट मंगाया। अब चलते बाहर और चलाते गाड़ी। तो अभी जो है मैंने गोप्रो का हेलमेट पे माउंट किया हूँ और एक बार अभी अपन चाल ला के देखते गाड़ी कैसा व्यू आ रहा है। चलो बैठो गौरव भैया, ये हमारे डिस्कवर गौरव भैया पीछे बैठ गए। बैठो बैठे। के हयात के बच्चे जो है इस कंपाउंड में रहते हैं, हयात नली के अंदर गई है। और ये देखो ये हमारे हयात के छोटे छोटे बच्चे अभी घूम फिरते हैं यहाँ पे। इनके लिए कंपाउंड देखो कितना मस्त है, बाहर भी नहीं, बाहर भी नहीं जा सकते, बड़े हो जाएंगे। इसका देखो कितना क्यूट है, काटने का डर रहा है। इनको दूध पिलाएंगे ठीक है अभी थोड़ी देर में। आ जा, अच्छा अच्छा डर रहे ये लोग।
क्यूट दिख रहे हैं लेकिन। हाँ, जब बड़े अभी तो क्यूट दिख रहे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे तब शैतान हो जाएंगे। हाँ, तो थोड़े अरे सुबह इस कटोरी में मैंने दूध निकाल लिया और अभी जो है अपन देंगे हयात के बच्चों को, और ये है हमारे दोस्त का चूरा, चलो पकड़ो उसको। अभी मैं इसके इनके लिए दूध लेके आया हूँ और वो देखो उत्तर जाके छुप के बैठे हैं। चलो छोटू छोटू, सबके सब डर गए। बताओ भाई, मैंने इनके लिए लाया कुछ पिल्ली के लिए और डर गए सब। कितने क्यूट है यार ये, सब डर गए, एक के ऊपर एक चले गए। चलो इन छोटे छोटे पप्पीज ने जो है दूध पीना स्टार्ट कर दिया। ब्लैक वाला तो कैसे पी रहा फटाफट, और वो सबसे छोटा वाला पीछे है। इनका नाम भी करण करेंगे अपन। आप लोग बताओ नीचे कमेंट में क्या नाम रखना चाहिए। इन पांच है, ये चार सफ़ेद है और एक काला है, क्या नाम रखेंगे इनका। एक का नाम कलुआ, नाम क्या रखेंगे बताओ। एक का नाम, वो काले वाले का नाम टाइगर। काले वाले का नाम चलो टाइगर हो गया, और बाकी सब कंफ्यूजिंग है। हाँ बाकी सब एक जैसे ही लग रहे हैं वैसे तो। बताइए ना, बहुत टाइम से मतलब भूखे प्यासे थे यार, देखो कैसे पी रहे फटाफट फटाफट फटाफट। अभी मेरी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, पहले हयात को पालता था, अब उनके बच्चों को पालूंगा। वो पीछे वाला मर गया क्या? नहीं 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 वो जो लेफ्ट में एक छोटा सा कुत्ता है वो तो कुछ पी नहीं रहा। ये चारों देखो छोटे छोटे कितने प्यार से भाई भाई पी रहे। ये काले वाले का तो पी के हो गया। अभी देखो हयात भी वहां पे आ गई, उसने पहले दूध पी कटोरी का और अभी अपने बच्चों को दूध पिला रही है और प्यार कर रही है। अभी जो टाइम है वो हो रहा है 2:45। मम्मी का मेरे को कॉल आया और अभी मम्मी को लेके जाना पड़ेगा ऑफिस से। गौरव भी अभी घर पे जा चुके हैं और अभी मम्मी का कॉल है, मम्मी को ऑफिस से लेने के लिए जाना पड़ेगा। आज मम्मी जल्दी आ रही है तो पप्पा जो है मेरे को गोप्रो सेट करके दे रहे हैं, तो अभी अपन हेलमेट में माउंट करेंगे और चलेंगे बाहर, थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग करने का ट्राई करेंगे। ये एक अंडे का आमलेट जो है पप्पा के लिए, एक मम्मी के लिए और ये मेरे लिए। मम्मी आ गई, मम्मी को भूख लगी थी तो आमलेट खिलाते हैं। मम्मी ने अभी मेरे को पूरा ड्राइवर बना लिया है, पहले मम्मी को ऑफिस में छोड़ो, ऑफिस से लेने जाओ, और अभी मम्मी को वापस बाबूजी घर पे छोड़ के देना है, मतलब पूरे ड्राइवर बन चुका हूँ मैं अब। चलो चलो मैं जा रहा हूँ, फिर अकेले जाऊँगा वरना मैं, मेरे को काम है फिर। ये हेलमेट पहनते पहनते बताओ मेरे चश्मे की डंडी टूट गई। ये देखो इधर साइड में मेरी चश्मे की डंडी है, इधर साइड चश्मे की डंडी नहीं है। अब पुराना वाला चश्मा है मेरा, वो ढूंढना पड़ेगा और कल इसको या तो मैं रिपेयर करूँगा या तो फिर एक नया ही बना लूँगा। ये जो चश्मा है ये मेरा पुराना चश्मा है, और जो नया वाला था वो तो उसकी डंडी टूट गई है। अब पता नहीं इसको दिया से जब मैं देख रहा हूँ ना थोड़ा अजब सा ही दिख रहा है, क्योंकि ये चश्मे की मेरी आदत नहीं है। दोनों ही चश्मे जो है सेम पावर के, बट ये जो है थोड़ा अलग ही लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद पहना होना ये इसलिए। कसम से यार मेरा दोस्त कितना आलसी, हम लोग पहले पता है आज बैडमिंटन लेने वाले थे और बैडमिंटन खेलने वाले थे बताओ, लेकिन वो अभी तक क्या आया नहीं और अभी लगभग 6 बजने वाला है। अब इतने टाइम पे कब बैडमिंटन लेंगे और कब खेलेंगे, उसको बिल्कुल भी टाइम की कीमत ही नहीं है। कब से बोल रहा भाई बस 4:30 बजे तक आ जाऊँगा, अभी 5:30 बज रहा है और अभी अपन चलते हैं बाहर हयात के बच्चों के साथ खेलते हैं, मज़ा आता है उनको देख के। हमारे सर अभी अभी आए हैं, आप इतने जल्दी कैसे आ गए, तो 6 बज रहे, वापिस बताने सुना है नहीं। नहीं नहीं क्या बता? क्या वो बता, तू मम्मी के कारण लेट हो गया। तो मम्मी ने तेरा हाथ पकड़ रखे थे कि बोले मत जाए करे साड़ी लेने के लिए, और फिर कितना टाइम लगा मम्मी ने साड़ी 2 मिनट में आती, बोली आधे घंटे बाद आई थी। तो बताओ ये मम्मी इसकी गई स्कूटी लेके, बोली साड़ी लेके आती हूँ और कितने घंटे बाद आई सीधा। इसको अभी मैंने गोप्रो पहना दिया और अभी अपन चलते हैं गार्डन 6 बजे। हम लोगों ने अभी ये 2 बैडमिंटन करी है और ये पड़ा 300 रुपये का, और अभी हम लोग खेलेंगे बैडमिंटन और जितने वाला तो मैं वो चाहे 600 चाहे बैडमिंटन हो, चाहे 600 चाहे बैडमिंटन ही हमेशा आता है। अभी वापस मैं जीत गया, 10-10 पॉइंट ही खेले थे, मेरे 10 हो गए इसके 4 ही हो गए, हमेशा हारेगा। क्या बोलता है, ट्राई ट्राई बट डोंट क्रैश, हमेशा ही तो हारता है। अभी इस बार मैं ये साइड रहूँगा तो उस साइड रहे।
अभी मैं आ गया, अभी ये भैया और चिराग खेल रहे हैं और यहाँ पे मैच इंटरेस्टिंग चलता हुआ। चिराग ने उधर मारा भैया जबरदस्त खेलते हुए और ये फाउल तेरा गया क्योंकि तूने इस नेट के समझा के नीचे से मारा। बैडमिंटन खेल के अभी अभी जस्ट घर पे आया हूँ मैं और बहुत ज़्यादा थक गया, पूरे पाँव भी दुख चुके और हाथ भी दुख चुके क्योंकि काफ़ी जोर जोर से जो मैं कॉक को मार रहा था और अभी भूख भी बहुत तेज लगती है लग चुकी है। अब देखते हैं खाना ये वाली घर पे खाते हैं या फिर बाबूजी के घर पे जाते हैं क्योंकि मम्मी ने बोला था कि आज का जो खाना है वो बाबूजी के घर पे। अब मम्मी का जब कॉल आएगा तब पता चलेगा। और वाकई में यार बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज हुई आज तो बैडमिंटन खेल के। अभी जो है मैं दादा के साथ जा रहा हूँ बाबूजी के इधर, पप्पा बाइक से आएंगे और ये देखो बाहर हयात आ गई, इसको भी खिला देते, खा ले यार तेरे बच्चे बड़े होंगे। खाना खा के हो गया, अभी खाना खाने के बाद खाते हैं पान फिर चले हैं घर। घर पर पहुँच गए हम और देखो घर पर लगाया ताला, मम्मी अभी तक के आए नहीं है और हयात को मैंने दे दिया खाने के लिए। खुद के घर के बाहर ही वेट करना पड़ रहा है मम्मी का। मम्मी को कॉल किया तो बोले भैया 10 मिनट और लगेगा। मम्मी जो है घर पर आ गई थी और मैं भी घर के अंदर आ गया था और ये जो चश्मा है ना इसको मेरे को कल ठीक कराना पड़ेगा जो कि टूट गया था पुराना वाला। और अभी लगभग रात के 12:30 बजे हो गए तो इसी के साथ जो इसी व्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते। आई होप आपको मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारे इस चैनल पे रोज़ सुबह 8:30 बजे डेली व्लॉग आ जाता है। कभी जिस दिन मैं घर से बाहर चले जाता हूँ ना उसी दिन खाली जो हमारा व्लॉग है थोड़ा लेट आता है, वरना तो रेगुलर 8:30 बजे परफेक्ट व्लॉग आ जाता है। इसलिए अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार। और लास्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमको लगभग आज के दिन जो है 4 महीने कंप्लीट हो गए ब्लॉगिंग करते करते वो भी डेली, और हमने 4 महीने में लगभग 336 सब्सक्राइबर्स अचीव किए। तो जितने लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत जल्दी हमारे इस ब्लॉगिंग वाले चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे।